स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे शब्द विचार यानी मोर्फोलॉजी। पीछे हम कर चुके हैं वीडियोस में भाषा, वर्ण। भाषा को लिखने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है लिखित रूप में लिखने के लिए? वर्णों की। और वर्ण की डेफिनेशन आपको बताई थी, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न हो, यानी टुकड़े हो ना जिस चीज के, उसको हम बोलते हैं वर्ण। और वर्ण बताए थे आपको दो, स्वर और व्यंजन। वर्णों का जो समूह होगा क्रमबद्ध यानी सीक्वेंस में, वो कहलाता है वर्णमाला। और अब शब्द किसे कहेंगे देखेंगे। शब्द में आएंगे बहुत सारे वर्ण, यानी दो या दो से अधिक वर्णों को मिलाएंगे और जिसका एक निश्चित अर्थ, कोई अपना एक अर्थ दे, वो कहलाता है शब्द। बहुत सारे दो या दो से अधिक भी आ सकते हैं। अब देखिए, या फिर हम लिखते हैं, देखिए एग्जाम्पल लारेक, ये भी बहुत सारे वर्ण हैं। लारेक, क्या इसका कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं, ये भी तो वर्णों का समूह है तो इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा। तो क्या लिखेंगे हम? करेला, करेला, इसका एक निश्चित अर्थ आ रहा है, इसीलिए शब्द वो ही बनेगा। ये सही है, ये गलत है, यानी वर्णों का समूह जो एक निश्चित अर्थ दे वो कहलाता है शब्द। शब्द से ही हमारे वाक्य बनते हैं, वाक्य से ही हमारा पैराग्राफ बनता है। देखिए, वर्णों से हमारे क्या बनेंगे? शब्द, शब्द से वाक्य और वाक्य से हमारा पैराग्राफ। इंग्लिश में आप बोलते हैं इसको लेटर्स, लेटर्स से हमारा वर्ड बनेगा, वर्ड से हमारा सेंटेंस बनता है और सेंटेंस से हमारा पैराग्राफ बनता है। तो शब्द की डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी, दो या दो से अधिक वर्णों का समूह जो एक निश्चित अर्थ देता है उसे हम कहते हैं शब्द। हिंदी भाषा में शब्दों को कितने आधार पर बांटा गया है? चार आधार पर बांटा गया है, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। नंबर वन, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के पांच पार्ट होते हैं। नंबर वन तत्सम, नंबर टू तद्भव, नंबर थ्री देशज, नंबर फोर विदेशी और नंबर फाइव संकर्षक। नंबर वन तत्सम, तत्सम दो शब्दों के मेल से बना है, तत् प्लस सम यानी उसके समान, तत् प्लस सम उसके समान, यानी संस्कृत के जो शब्द हिंदी में आए हैं ज्यों के त्यों बिना अपना रूप चेंज किए, संस्कृत के जो शब्द हिंदी में जैसे के तैसे आ गए हैं बिना अपना रूप चेंज करे आए हैं, उन्हें हम कहते हैं तत्सम शब्द। जैसे सर्प, पत्र, गृह, कार्य, ये सब हमारे कहलाते हैं तत्सम शब्द। तद्भव शब्द किसे कहेंगे? ये भी दो शब्दों से बना है, तत् प्लस भव यानी तत् प्लस भव बदल जाना, यानी संस्कृत के जो शब्द हिंदी में अपना रूप चेंज करके आए हैं, बदल कर आए हैं, उन्हें हम कहते हैं तद्भव। जैसे सर्प तत्सम था तो सांप, मयूर तत्सम है, तद्भव में आ जाएगा मोर। एग्जाम्पल मोर, सांप। देशज, देश प्लस जय, जय का मीनिंग होता है उत्पन्न होना, यानी जो आम बोलचाल के जो शब्द हैं वो आ गए हैं हिंदी भाषा में, यानी वो शब्द जो हमने आम बोलचाल की भाषा से लिए हैं वो कहलाते हैं देशज शब्द। जैसे लोटा, खाट, खिचड़ी। नेक्स्ट है विदेशी, या हम इसको बोलते हैं आगत शब्द। विदेशी या विदेशज, जय का मीनिंग अभी बताया आपको, उत्पन्न होना, यानी विदेशी भाषाओं से जो शब्द उत्पन्न हुए हैं, यानी दो जो शब्द दूसरी भाषाओं से लिए गए हैं उन्हें हम कहते हैं विदेशी शब्द, आगत शब्द या विदेशज शब्द। क्लियर? नेक्स्ट है संकर शब्द। संकर शब्द क्या होता है? दो भाषाओं से लिए गए शब्द, वो सेम भी हो सकती है और अलग अलग भी भाषा हो सकती है, वो संकर शब्द कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल टिकट, घर, टिकट प्लस घर। टिकट हमारा अंग्रेजी का शब्द है और घर हमारा हिंदी का शब्द है। जैसे सिनेमा हॉल, रेलवे स्टेशन, रेलवे और स्टेशन अंग्रेजी के दो अलग अलग शब्द है, यानी अलग अलग भाषाओं से लिए गए शब्दों को हम कहते हैं संकर शब्द। नेक्स्ट करेंगे हम रचना के आधार पर। रचना के आधार पर कितने टाइप्स के शब्द? तीन, रूट, यौगिक और
योग रूट। नंबर वन, रूड शब्द किसे कहेंगे? रूड का मीनिंग क्या होता है? यानी जिसके टुकड़े करें तो कोई अर्थ ही ना निकले, यानी टुकड़े करने पर जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता वे रूड शब्द कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल फूल, अगर फूल के टुकड़े करेंगे तो कोई भी अर्थ नहीं निकलता, जैसे किताब, कोई अर्थ नहीं निकलेगा। नेक्स्ट है योगिक, योगिक मीन्स मिलाना, यानी दो सार्थक शब्दों का मेल करेंगे, शब्द दो मिलेंगे उनका मीनिंग भी निकलता मिलेगा, उन्हें हम कह देंगे योगिक शब्द। जैसे रसोई घर, रसोई एक शब्द, घर एक शब्द, तो डेफिनेशन क्या बनेगी? दो सार्थक शब्दों के मेल से जो शब्द बनते हैं उन्हें हम कहेंगे योगिक शब्द। योगरूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं, ये योगिक तो हैं, किंतु जो किसी विशेष अर्थ के लिए इनका प्रयोग होता है, किसी विशेष अर्थ में ये प्रयुक्त हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल नीलकंठ, अब नीलकंठ हमारा नीला गला होगा, हम तो नीलकंठ नहीं हो सकते, नीला है कंठ जिसका, किसका होता है? शिव का, उनके लिए प्रयुक्त हुआ है, इसीलिए विशेष अर्थ में यानी शिव के लिए प्रयुक्त हुआ है ये शिव, इसीलिए ये योगरूढ़ शब्द है, योगिक नहीं माना जाएगा ये। जैसे चक्रधर, चक्र भी एक शब्द, धर भी एक शब्द, लेकिन किसी विशेष पर्टिकुलर के लिए नाम प्रयुक्त होता है, इसीलिए ये शब्द कैसे कहलाते हैं? योगरूढ़ शब्द। नेक्स्ट है अर्थ के आधार पर शब्द, अर्थ के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वे होते हैं जिनका कोई अर्थ निकलता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे खिलौना, किताब, रोटी, पानी, यानी सार्थक शब्द वे कहलाते हैं जिनका कोई अर्थ निकलता है उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई भी अर्थ ना निकले वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। अब सार्थक में मैंने किताब बोला, अब निरर्थक में बोलूंगी विताब, विताब कोई शब्द होता नहीं। सार्थक में मैंने रोटी बोली, निरर्थक में वोटी, वोटी कुछ नहीं होता, हम बोल देते हैं रोटी वोटी, पानी वानी, किताब विताब, तो जो साथ में लग रहे हैं वो निरर्थक शब्द हैं, वो सार्थक शब्द नहीं हैं, जिनका अर्थ नहीं निकलता वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द दो टाइप के, नंबर वन विकारी, नंबर टू अविकारी। विकारी शब्द वे होते हैं लिंग, वचन और कारक के कारण जिनका रूप चेंज हो जाता है। अब आप कहेंगे लिंग क्या, कारक क्या, वचन क्या, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन देखिए जैसे मैं बोलूंगी लड़का, तो लड़का का हम लिंग चेंज करेंगे क्या आ जाएगा? लड़की। लड़का का हम वचन चेंज करेंगे लड़के, और कारक बता रही हूं मैं, लड़का या लड़कों के द्वारा काम किया गया, लड़कों ने काम किया, ने को, ये हमारे कारक चिन्ह होते हैं, नेक्स्ट वीडियो में ये करेंगे हम क्लियर। लेकिन विकारी शब्द वे हैं जिनका लिंग वचन कारक के कारण रूप चेंज हो जाता है, जैसे मैंने अभी बताया लड़का से हम लड़की, लड़के, लड़कों, ये बना रहे हैं, वो विकारी शब्द होते हैं। अविकारी शब्द जिनका कोई रूप चेंज नहीं होता, जो अपना रूप बदलते नहीं, जैसे धीरे धीरे कोई चेंज नहीं हुआ, लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है इन पर, जैसे हाय, जैसे धीरे धीरे, जैसे आजकल, इसलिए, किंतु, परंतु, इन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा लिंग वचन और कारक का, वे कहलाते हैं अविकारी शब्द। यानी लिंग वचन कारक का जिन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, अपना रूप नहीं बदलते, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक बार फिर से क्विक रिविजन ले रहे हैं, शब्द कैसे बनता है? वर्णों के मेल से, बहुत सारे वर्ण, दो या दो से भी हो सकते हैं अधिक, और वो अपना एक निश्चित अर्थ देते हैं, उसे हम कहेंगे शब्द। शब्दों का वर्गीकरण हमने किया कितने आधार पर? चार आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर आपको बताया तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। तत्सम में बताया मैंने आपको संस्कृत के शब्द जो यूं के यूं हमारे हिंदी में है, बिना अपना रूप चेंज किए हुए तत्सम कहलाते हैं। आप इसकी पहचान देखिए, कार्य या फिर ये अक्ष है, त्रय और ज्ञ वाले अगर आ जाते हैं वो तत्सम, मोस्टली आपके तत्सम शब्द मिलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम लगाएंगे कक्ष, त्रय पे हम बनाएंगे पत्र, ये वाले शब्द आपके हमेशा क्या मिलेंगे? तत्सम शब्द मिलेंगे।
र के तीन रूप बताए थे मैंने पिछली वीडियो में आपको, देखिए तीन रूप जैसे र के, कार्य, क्रम और ड्रम। ये भी र है, ये भी र है और ये भी र है। अब र के कितने रूप हो गए? तीन रूप। अब ये ऊपर र है तो ये हमेशा होता है आधा। जब भी कभी भी पैर में मिलेगा आपको वो हमेशा होता है र पूरा। जैसे क इसमें आधा आ जाएगा, र इसमें पूरा आएगा। ड्रम ये भी र का ही होता है लेकिन ये सब में नहीं लगता, केवल घुंडी वाले शब्दों में लगता है, जैसे ट्रक, ड्रम इनमें लगेगा। ये र के ही रूप होते हैं। तत्सम बताए आपको, यानी जिसने अपना रूप चेंज नहीं किया, संस्कृत के शब्द हिंदी में ज्यों के त्यों आए हैं वो तत्सम शब्द, तद्भव शब्द। जो अपना रूप चेंज करके आए हैं वे कहलाते हैं तद्भव शब्द। देशे शब्द आम बोलचाल की भाषा से लिए गए हैं, जैसे लोटा, खिचड़ी। विदेशी शब्द विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं, अखबार, स्टेशन, ये हमारे विदेशी शब्द हैं। संकर शब्द आपको बताए थे, दो भाषाओं से लिए गए शब्द हमारे कौन से कहलाते हैं? संकर शब्द, जैसे टिकट घर, सिनेमा हॉल, रेलवे स्टेशन। रचना के आधार पर आपको तीन बताए हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, जिनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता। रूढ़ शब्द, यौगिक, दो अलग अलग सार्थक शब्द मिलेंगे और उनको मिला दिया, उनके मेल से, दो शब्दों के मेल से जो शब्द बनते हैं वो कहलाते हैं यौगिक। और योग रूढ़ होता है, यौगिक तो है लेकिन वो एक अपना विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, वो योग रूढ़ कहलाते हैं। अर्थ के आधार पर सार्थक, निरर्थक, जिसका अर्थ निकले सार्थक, ना निकले निरर्थक। जैसे रोटी, वोटी, रोटी का निकल रहा है तो वो सार्थक की कैटेगरी में आएगा, वोटी निरर्थक की कैटेगरी में आ जाएगा। प्रयोग के आधार पर आपको दो बताए, विकारी और अविकारी। विकारी जिस पर लिंग वचन कारक का प्रभाव पड़ता है वे विकारी कहलाते हैं और जिस पर न पड़े वो अविकारी कहलाएगा। जैसे लड़का से मैंने बताया था, और अविकारी में इसलिए, किंतु, परंतु, ये हमारे अविकारी में आते हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा शब्द विचार। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। थैंक यू।